तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा कॉफ़ी के स्टॉक के बारे में। टाटा कॉफ़ी के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.64% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की इस तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार 286 के लेवल पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 290 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 300, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 305, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 310, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 320 और 330 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 286 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 280 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 274 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।